देखो इस वीडियो में बात करेंगे हम उसके रिगार्डिंग कि यार इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी और कहाँ था मैं। और देखो इतना इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सब कुछ ठीक चल रहा था, वीडियो भी आ रही थी और पोस्ट प्रेफरेंस भी चल रहा था। अचानक से बीच में क्या हुआ कि मैं वीडियो भी नहीं डाल रहा था, कई लोगों के कमेंट के रिप्लाई भी नहीं आ रहे थे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जब चीज़ें सामने आई, बिल्कुल नई चीज़ें, और लाइफ का एक नया एक्सपीरियंस जब रहता है तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती। तो मेरी सिस्टर का था, उसका थोड़ा चल रहा था, उसकी सर्जरी होनी थी सितंबर के टाइम पे, और अचानक से डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया, उनके उससे बाहर का हो गया पूरा कुछ, और फिर हमें लेके भागना पड़ा यहाँ से और दूसरी जगह जाना पड़ा। और उस चक्कर में काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई, मतलब कहने का कहो कि आप हमारे लिए बिल्कुल एक नया ही चीज़ था। तो हॉस्पिटल में करीब 10-15 दिन हम वहीं पर गुजारना पड़ा हमें, और ये सब चीज़ें बिल्कुल अचानक से हुआ। कुछ ऐसा होता नहीं कि प्लान रहता आपका, चलो चीज़ें हैं रहती हैं, लेकिन जब चीज़ें अचानक से हो जाती है तो कुछ समझ में नहीं आता बस। तो यही चीज़ें हैं और अचानक से हुआ सब कुछ, तो इस वजह से वीडियो तो छोड़ो दूर की बात है, हो सकता था कि मैंने आप लोग का रिप्लाई भी नहीं कर पाया होगा यूट्यूब कॉमेंट पर। फ़ोन वोन उठा पाया था मैं, कुछ लोग एक दो का आप फ़ोन नहीं उठा पाया था, लोग नाराज़ भी हो गए थे मुझसे, लेकिन बच्चे आप समझिएगा कि कैसी चीज़ें हो रही होंगी। मैंने पूरा टाइम दिया था इसके रिगार्डिंग, लेकिन अब अचानक से हो गया तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। इसी की वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। अब हम वहाँ से डिस्चार्ज करा के, क्योंकि वहाँ पर भी टाइम लग गया, फिर वहाँ पर भी ऑपरेशन के बाद भी कुछ दिक्कत आ गई तो ICU में रखना पड़ा। ऊपर से मेरी भी ज्वाइनिंग अभी आई नहीं है, आपको पता ही है, CGD का भी चल रहा है प्रोसेस, तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी थी, बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई यार, है ना। तो अभी एक्सप्लेन सब कुछ नहीं कर सकते। चलिए मैं बात करता हूँ, वीडियो रेगुलर आएगा आपका, CHSL का रिजल्ट आने वाला है, सब कुछ, अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पूरी कोशिश करूँगा कि रेगुलर करूँ मैं। आने के बाद थोड़ा कुछ दिन मैंने रिलैक्स भी किया, अचानक से माइंड भी एकदम नहीं रहता, राइट। चलिए तो देखो इसके बाद ये तो मालूम चल गया मैं था कहाँ पर और क्या है, अब रेगुलर वीडियो का जैसे पहले देख रहे थे आप, और सारा कुछ लगा हुआ है लाइन से आपका, तो टेंशन मत लेना। देखो DV में क्या क्या नया हुआ कुछ मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, कि कुछ चीज़ें तो पुरानी थी, कुछ चीज़ें नई नई निकल के आई। जैसे कि सबसे बड़ा चीज़ जो कैटेगरी वाला था आपका, कि प्रोविजनल वाला, राइट। तो प्रोविजनल को लेकर के सब कुछ वही था, सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहे प्रोविजनल को लेकर के, कि ले कि ना ले, तभी लोगों ने कराया है प्रोविजनल। कुछ लोग प्रोविजनल के लिए चक्कर में UR में शिफ्ट हुए, स्टार्टिंग में EWS को UR में शिफ्ट किया, बाद में OBC वालों को UR में शिफ्ट करने से मना कर दिया गया कुछ रीजन में, कुछ लोगों का फ़ोन आता रहा, बीच बीच में बात होती रही, राइट। डॉक्यूमेंट्स में एरर को लेके बहुत दिक्कतें आई कि सर मेरे नाम में स्पेलिंग में दिक्कत ये वो, लेकिन कोई कहीं से भी रिजेक्शन का नहीं आया सुनने में कि रिजेक्शन आया। एक दो दिक्कतें आई, जैसे कि एक जगह से आया था कि उनका फॉर्म भरते वक्त उन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया था, और जब DV कराने गए तो उन्होंने बोला कि मैंने नहीं भरा है और मेरे पास वो ऑप्शन है, मतलब 3 साल का एक्स सर्विसमैन को मिलता है, तो हमें एज रिलैक्सेशन लेना है, तो उन्होंने देने से मना कर दिया, कहा कि जो फॉर्म में आपने भर दिया है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता, अगर आपने फॉर्म में एज रिलैक्सेशन क्लेम नहीं किया तो बाद में कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा दिक्कत आई थी, बड़े परेशान थे वो, उनका फ़ोन मेरे पास आया, लेकिन बीच में ये सब कुछ हो गया तो मैं नहीं कर पाया उनके रिगार्डिंग कि मैं कुछ पता करा पाता। उसके अलावा कैटेगरी चेंज के अलावा मैं बात करूँ, ये कैटेगरी चेंज का मतलब है जो लोग OBC से UR में शिफ्ट होना चाह रहे थे, प्रोविजनल की वजह से मना कर दिया नॉर्थ रीजन ने, कहा कि आपका OBC में ही होगा और प्रोविजनल भी होगा। डरना मत, प्रोविजनल को लेकर मैं पूरा बताऊंगा, और टेंशन मतलब आगे वीडियो आएगी मैं पूरा सेपरेट कर रहा हूँ। MTS में कई लोगों का रिप्लाई आ गया है, मैं आपको बता दूंगा उनका, उन लोगों ने भेजा भी है मेरे को, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रोविजनल वाले घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और कुछ जगह से ये भी आया कि कुछ जोन में, दिल्ली में ही सुनने में आया था कि बहुत जल्दबाजी में था, उन लोगों ने डॉक्यूमेंट भी नहीं देखा, कुछ जगह पर तो उनको मना कर दिया कि आप अगले दिन आना DV कराने। तो ये भी एक का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि सर इतनी जल्दी में थे, उन्होंने कुछ देखा भी नहीं, बस कहा फटाफट दे दो, ऑप्शन भी मतलब रख लिया, कुछ मिलाया भी नहीं ऐसे करके, है ना। तो लोग थोड़ा नाराज़ भी थे कि यार लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो ये चीज़ें नहीं है, नहीं है, पहले भी ये हुआ है। लास्ट वाले बैच के साथ में वो जल्दी में रहते, होता क्या है कि उनको घर निकलना होता है, तो इस चक्कर में क्या होता है वो जल्दी फटाफट निपटाना चाहते, तो इस चक्कर में वो लोग क्या कर देते हैं, ध्यान नहीं रखते इन लोगों का। लेकिन हमने इसके पीछे कितना टाइम खर्चा किया होता है, कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती है हमारे लिए, अब हम उनको कैसे समझा सकते हैं। यार एक चीज़ बताऊँ, सब्सक्राइबर को लेके यार सब गिर गया है, रेटिंग वगैरह सब गिर गया है, सारा चीज़ बंद हो चुका है, मेरी ज्वाइनिंग भी तो बंद है उसकी, मतलब आई नहीं है अभी तक, तो सारा तरफ से सब काम बंद ही पड़ा हुआ है, राइट। कम से कम एक चीज़ है कि सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, कंटेंट पसंद आए तो थोड़ा सा शेयर कर देना, लोगों तक पहुँचा देना, थोड़ा सा ये चीज़ें ग्रोथ कर जाए, फिर से चैनल उठ जाए, क्योंकि मेरे पास अभी एक यही ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक है। अगली चीज़ जो कट ऑफ में चला, सबसे ज़्यादा जब मैं फ़ोन उठाता था, पेड सर्विस लिया था बहुत सारे लोगों ने, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया पेड सर्विस, बहुत सारे लोगों को मैंने हो पाया तो मैंने मैसेज में रिप्लाई किया, राइट। तो
एक्साइज को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा रहा है। सबसे ज़्यादा जो कॉल आती थी, जो सबसे ज़्यादा चीज़ पूरा मतलब इस पूरे टीवी में सिर्फ एक ही चीज़ चला, एक्साइज एक्साइज एक्साइज, राइट, सीजन 19 में। तो सबसे ज़्यादा लोग का यही डाउट कि कट ऑफ रुकी कहाँ इसकी, 645 जाएगी, 50 जाएगी, क्या होगा, नॉर्थ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बड़ा दिक्कत रहा है बच्चे। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और बहुत अच्छे से समझा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कट ऑफ एकदम से बाउंस हो जाएगा या फिर एलियन आकर के सीट ले जाएंगे, सीट उन्हीं को मिलेगा जिनका जो एस्पिरेंट जिन्होंने एग्जाम निकाला हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं। ऐसा भी नहीं कट ऑफ बहुत बाउंस हो जाएगा, लेकिन हल्ला बहुत रहा है इस बार और ये सही हल्ला रहा है कट ऑफ को लेकर के, मतलब एक्साइज को लेकर के बहुत ज़्यादा डिमांड रही है इसकी, कोई पोस्ट से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पोस्ट एक्साइज की रही है। फिर भी बहुत सारे लोगों ने रिस्क लिया है, चाहे उनको साउथ भी मिल जाए, नए लोग थे, कौन थे लोग, क्या था, वो सब मैं डिस्कस करूँगा। एक एक्साइज की वीडियो आएगी कल परसों, मैं देखूंगा, कल तो नहीं करूँगा, कल 10+2 CHSL का लेके आ रहा हूँ, बहुत सारे लोग परेशान है, रिजल्ट आना है 30 तारीख को, मैं उनके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। यार एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखने को मिला वो है सीट वेस्ट वाला, मतलब जो मुझे बहुत बुरा फील हुआ हर एक स्टेज पे, मैंने जितना हो पाया लोगों से बात किया, लेकिन मैं क्या कर सकता था, मतलब नंबर उनके थे लेकिन वो अपनी तरफ से भी सही थे। तो सीट वेस्ट को चाहे डेविस स्किप को, यार ये बहुत कम हुआ है, आपको बताते हुए दुख हो रहा था। जहाँ कट ऑफ 3-4 नंबर कम हो सकता था वो नहीं दिख रहा है, बिकॉज ऑफ कम, बहुत कम लोगों ने डेविस स्किप किया, इसके कारण से सीट बहुत वेस्ट होने वाला। देखो सीट कौन कौन सी वेस्ट होने वाली है, सीजीएल 18 की भी होने वाली है, सीजीएल 19 की, 18 की ऐसे कि सीजीडी ऑडिटर का है जिनका, बहुत सारे लोगों को पुणे फेंक दिया है, अभी मैसेज आ रहा है बहुत सारे लोगों को होम स्टेट मिल गया है, तो कई सारे लोग हैं जो दूर निकल गए हैं, वो लोग अब अगर उनके पास 19 का ऑप्शन है तो वो लोग ऑडिटर छोड़ करके एक्साइज ज्वाइन करेंगे या दूसरी जॉब ज्वाइन करेंगे, घर के पास ज्वाइन करेंगे, तो उधर भी सीटें वेस्ट होने वाली है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी होम पोस्टिंग पा रखे, एक्साइज को बस इसलिए भरा है कि देखने के लिए, या 4200, और DA इसलिए भरा है कि देखने के लिए कहाँ मिलता है। तो मुझे पता है कि अगर उनका लोकेशन साउथ की तरफ आने वाला है वो नहीं लेने वाले, उनका मूड पहले से ही है, अगर नॉर्थ में कहीं मुंबई इधर गुजरात तक चलेगा तो चल जाएगा उनका, तो वो सीटें वेस्ट, सीटें बहुत बर्बाद होने वाली है 18 की भी 19 की भी, और ये बहुत दुख की बात है यार, क्या ही कर सकते हैं। इसका दो ही रीज़न रहे कि एक तो DV हमारी जल्दी हो गई, जो लग रहा था कि अक्टूबर में होने वाला है वो जल्दी हो गई, और दूसरा ज्वाइनिंग नहीं आया, और ज्वाइनिंग किसकी नहीं आई, जिनमें ज़्यादा भीड़ थी आपकी, या स्टेटस भी नहीं आया कि उनकी पोस्टिंग, अभी ऑडिटर में अभी भी आधे लोगों को नहीं पता है CGD ऑडिटर में, जिनकी 3000 प्लस कैंडिडेट्स में, और वो बहुत सारे लोग ऑलरेडी सीजन 19 में भी 2800 और 4600 4200 की रेंज में है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, दिक्कत आ गई, ये थे। उसके अलावा एक्साइज मतलब CBIC डिपार्टमेंट वाले थे, CAG वाले थे, CAG का आ गया था बीच में, लेकिन वही है ना कि जब पूरी भीड़ जा रही है तो फिर वो भी लोगों ने भी मूड बना लिया, तो ये इसकी वजह से सीटें बहुत वेस्ट होती दिखाई दे रही है। अच्छा, इससे जो कम कट ऑफ पे हो या जो बाउंड्री पर हो, अब घबरा मत जाना, वीडियो देख करके आप बहुत जल्दी हो जाता है, सही बात है, घबराना जरूर वो भी ये रहता भी है कि यार ऐसी चीज़ें हैं तो क्या हमें पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घबराना मत, एक वीडियो मैं उस पर लेके आ रहा हूँ। क्योंकि देखो एक चीज़ भी बता दूँ कि मारामारी जो रही है वो 4600 के लिए रही है, 2800 में CGA के लिए रही है, लेकिन 2400 की इतनी वो नहीं रही है, तो आप घबराइए मत, लोवेस्ट कट ऑफ की जो बात है आप डरिए मत। और एक चीज़ और अच्छी बात रही है, जो सीट बढ़ा है आपका एक साइज में, कितना बढ़ा है अभी नंबर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उससे थोड़ा सा प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा, राइट। बीच में एक ये चीज़ भी बहुत लोगों को परेशान करा यार अब कोर्ट केस का जो था, बहुत सारे लोग अभी भी उसको लेकर के क्या है क्या नहीं है, कब फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट का देखो यार, SSC चाह रही है इसको जल्दी निपटाने के लिए, तो हो सकता है कि DV खत्म होते ही कैलेंडर अपडेट हो जाए, और रिजल्ट में मेरे हिसाब से तो नवंबर तक आ जाना चाहिए, राइट। रही बात कोर्ट केस का, तो यार कोर्ट केस में अगर ये लिखा हुआ है, जैसे कई लोग कह रहे थे कि उसमें लिखा हुआ है कि विदाउट फाइनल रिजल्ट के कोर्ट के SSC का रिजल्ट नहीं आ सकता, देखो ऐसा हुआ है CGL 17 में भी कि रिजल्ट निकाल दिया जाता है, उसमें लिखा रहता है, एक क्लॉज लिखा रहता है आपका, एक लाइन लिखी रहती है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट सिलेक्शन हुआ है वो कोर्ट केस के ऑर्डर पर, यानी कोर्ट केस अगर कल को कैंसिल करता है तो आपका वो, लेकिन ये आपको पता ही है क्या है, आप इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, मुझे तो ज़्यादा कोर्ट की समझ नहीं है सब चीज़ों की, लेकिन आपको इतना आपने CGL 17 देखा हुआ है और पहले कुछ देखा हुआ है, सबको पता है क्या चीज़ है क्या नहीं है, राइट। तो इसको लेकर के ज़्यादा वो कुछ है नहीं, जो होता वो हो गया, बहुत सारे लोग 20 में भी मूव कर गए और बहुत सारे लोग आगे अपना देख चुके हैं, क्योंकि टाइम बीतता जाता है, हम अपना डिसीजन भी उस हिसाब से लेते चलते हैं, राइट। तो ये कुछ चीज़ें, बाकी मैं रेगुलर आ गया हूँ, टेंशन मत लो, थोड़ा माइंड सेट करने में टाइम लग जाता है बच्चे, ठीक है, आने के बाद मैं सोचा था वीडियो शुरू कर दूँ, लेकिन इतनी जल्दी स्टार्ट करना आसान नहीं होता, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने सवाल लिखिए YouTube कमेंट पे और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको पूरा रिप्लाई करूँ। जिस तरह का भी डाउट है, DV में कोई और दिक्कत रही है, अब लिखिए, आप पहले लिखे हो और नहीं रिप्लाई किया हो तो आप करिए, बिल्कुल मैं आप तक करूँगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उससे हमारे लिए थोड़ा बेनिफिट रहेगा।